मंडी संसदीय क्षेत्र के सांसद व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिवस सिंह ने आज करसोग विधानसभा क्षेत्र के आपदा प्रभावित क्षेत्रों पुन्नी पोखी महोग गवालपुर आदि का दौरा कर प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान राहत व पुनर्वास कार्यों का जायजा लिया। सांसद ने अपने करसोग दौरे के दूसरे दिन सबसे पहले करसोग के पुन्नी गाँव में हुई बादल फटने की घटना से प्रभावित लोगों से वार्ता कर उनका दुख दर्द साझा किया। सांसद से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने अधिकारियों को बादल फटने की घटना से प्रभावित परिवारों की मदद करने के निर्देश दिए। सांसद ने बादल फटने की घटना में नाले में आई बाढ़ से बह जाने से गांव की एक महिला नेसरी देवी पत्नी स्वर्गीय मीनाराम की हुई दुखद मृत्यु के परिजनों से मिलकर अपना दुख व्यक्त किया। सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रभावित परिजनों व गाँव के लोगों को आश्वासन दिया कि मृतक नेसरी देवी की बेटी की शादी का खर्चा वहन करने में प्रभावित परिवार की मदद की जाएगी। सांसद प्रतिभा सिंह ने प्रभावित लोगों की समस्याएं सुनने के बाद अधिकारियों को पुन्नी गांव को जाने वाले सड़क मार्ग और गांव के लोकल रास्तों की मरम्मत करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस अवसर पर प्रभावित लोगों से वार्ता कर उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि आपदा की इस घड़ी में प्रदेश सरकार प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन लोगों के मकान पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और जो बेघर हो गए हैं उनके पुनर्वास के लिए प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार उन्हें बसाने के लिए उपयुक्त जगह चिन्हित कर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर पूर्व प्रत्याशी व कांग्रेस नेता महेश राज, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष पृथ्वी सिंह नेगी, कांग्रेस के प्रभारी रुपेश केवल, एसडीएम करसोग कपिल तोमर, तहसीलदार कैलाश कौंडल और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। हिमाचल प्रश्न करसोग से राजेश सोनी की रिपोर्ट।